तो दोस्तों अगर आप कोई बैंक CSP में जाते हैं पैसे निकासी करने के लिए या तो फिर कोई ग्राहक सेवा केंद्र में दुकान में APRs में जाके पैसे निकासी करते हैं और पैसे निकासी करने के बाद आपको बाद में पता चलता है कि आपके अकाउंट में से 1000 के बदले 2000 रुपया विड्रॉ हो चुका है या तो फिर 2000 के बदले 4000 रुपया विड्रॉ हो चुका है, तो उस समय में आप क्या करेंगे? उस समय में आपको सबसे पहले जहां से पैसे विड्रॉ किए थे उसी के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मेरा 1000 के बदले 2000 या 3000 पैसे विड्रॉ हो चुका है। आप देखिए, अगर वो नहीं मानता है तो आपको अपना बैंक खाता को यानी कि अपने बैंक पासबुक को लेके मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक का ब्रांच है उसी में जाना पड़ेगा और आपको अपना बैंक खाते को अपडेट कराना पड़ेगा। अपडेट कराने के बाद अपडेट आपका डिटेल्स आ जाएगा कि कौन सा BC से आपका पैसा विड्रॉ हुआ है और BC कोड आपके सामने शो हो जाएगा। अगर एक ही BC कोड दोनों ट्रांजेक्शन में हुआ है आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ से विड्रॉ हुआ है, कितने बजे हुआ है, कितने टाइम को हुआ है, कौन सा डेट को पैसा विड्रॉ हुआ था, पूरा डिटेल्स आ जाएगा और आप जाके डायरेक्टली उन्हें पकड़ सकते हैं और अपना हिसाब से उन्हें क्लेम कर सकते हैं और अपना पैसा रिफंड करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको अपने बैंक BC में जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से आपने बैंक खाते को ओपन किया था वहीं पे जाने के बाद आपको अपना स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट में आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आप कहाँ पे विड्रॉ किए थे, कैसे विड्रॉ किए थे और कितने बजे विड्रॉ किए थे, कितना रुपया विड्रॉ किए थे, आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा और आप अपने हिसाब से जाके उन्हें क्लेम करके अपना पैसा रिफंड करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।